हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे फूड हाउस में। मैं आपका होस्ट मृत्युंजय कुमार और आज हमारे साथ आपको स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाने वाला हूँ। इस चैनल पर हम आपको हमेशा नई नई रेसिपीज और कुकिंग टिप्स शेयर करेंगे। यदि आपको खाना बनाना पसंद है या फिर आपने कभी नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इस चैनल पर आप अपने सवाल, सुझाव और अनुभव भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य देंगे और आपके लिए नई नई वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपको हमारी नई वीडियो पहले से पहले आपके साथ शेयर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 3 अलग अलग फ्लेवर की मजेदार लस्सी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देखिएगा मैं इसमें कौन कौन से फ्लेवर यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने खुद घर पे बनाए हैं। और इसमें सबसे मनपसंद फ्लेवर मेरा पान फ्लेवर है। तो आप इसको देखिएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है और अपने सवाल और सुझाव मेरे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में 500 ग्राम दही को ले लेना है। पहले हम इससे एक बेस तैयार करेंगे। अब इसके अंदर 5 से 6 कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे। साथ में ही इसमें 150 ग्राम तक डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। साथ में ही अब हम लोग इसमें 250 ग्राम तक चीनी डाल देंगे और इसको किसी स्पून की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। इसको अब हम लोग किसी मथनी की सहायता से, किसी विस्क की सहायता से या फिर हैंड ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से इसको फेंट लेंगे। इसको अच्छे से फेंट लें, बस इतना ध्यान दें इसको मिक्सी के अंदर ना फेंटें। अगर मिक्सी में इसको फेंटेंगे तो ये एक मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि बहुत बेकार लगता है। तो अभी मेरी ये दही जो है थोड़ी गाढ़ी थी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको विक्स की सहायता से अच्छे से मिला दे रहा हूँ। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो गई है तो अब इसको मैं फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रख दे रहा हूँ। अब इस मिक्सर जार में 5 से 10 बादाम, 5 से 10 काजू तथा 5 से 10 पिस्ते को दूध के साथ अच्छे से मिला के ग्राइंड कर ले रहा हूँ। बस ये ध्यान देना है आपको, ये है दरदरा ही पेस्ट बने। जब ये पीस जाए ग्लास के अंदर आधा हम लोग अपना जो दही का बेस हम लोगों ने तैयार किया था उसको डाल दें और साथ में ही इसमें 2 से 3 चम्मच पीसा हुआ ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट है उसको डाल दें और फिर पूरा ग्लास को दही के बेस से भर दें। इसके ऊपर थोड़ा सा ये दही की मलाई भी डाल रहा हूँ और साथ में इसको थोड़े कोकोनट, थोड़े ड्राई फ्रूट के साथ मैंने इसको गार्निश किया है और हमारी ड्राई फ्रूट लस्सी बनके तैयार हो गई है। अब हम लोग अपनी दूसरी लस्सी की तरफ चलते हैं। तो दूसरी लस्सी हमारी होगी पान फ्लेवर की लस्सी। तो इसके लिए मैंने एक पान के पत्ते को और थोड़ा सा मैं इसमें मिंट भी डालूंगा, इसको अच्छे से काट लें और एक मिक्सर जार में थोड़ा सा बर्फ डालकर पान की पत्ती और पुदीने की पत्ती को डाल दें। बर्फ डालने से ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहेगा। इसको अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद अपना वही सेम प्रोसेस दोहराएं। आधा ग्लास को हम लोग दही के बेस से भर दें और उसके अंदर 2 चम्मच पान का जो फ्लेवर हमने तैयार किया उसको डाल दें और ग्लास को फुल इससे भर लें और इसको अच्छे से किसी स्पून की सहायता से मिला लें। अब मैं इसमें फिर से वही दही की मलाई और ये थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के पुदीने की पत्ती के साथ मैं इसको सर्व करूंगा। तो हमारा ये फ्लेवर ही बन के तैयार हो गया है। और जो तीसरा फ्लेवर है वो हमारा आम का फ्लेवर है। तो दोस्तों, मैंगो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले अपने जो आम है उसको हम लोग डाइस में काट लेंगे। जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे आप भी इसको काट सकते हैं। और 1 चम्मच की सहायता से इसके डाइस को हम लोग अलग कर लेंगे।
डाइस हमने काटे हैं, इसको एक मिक्सर जार में लेकर इसका एक अच्छा सा पल्प बना लेंगे। अगर आपको जरूरत हो तो इसमें पानी डालें, या फिर इसको बिना पानी के भी इसी तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब वही प्रोसेस हमको फिर से दोहराना है। अपने ग्लास के अंदर आधा हम लोग को लस्सी का बेस भर लेना है, फिर उसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच लगभग ये पल्प डालना है। आप चाहें तो उसमें और ज्यादा भी इसको डाल सकते हैं। और फिर लस्सी का बेस हम लोगों ने बनाया था उसको, उससे पूरा ग्लास को फिल कर लेना है। अब हम लोग इसके ऊपर दही की मलाई डालेंगे और ये जो डाइस कुछ बचे थे तो इससे हम लोग इसको गार्निश करेंगे। साथ में मैंने इसमें कुछ कोकोनट और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए हैं। तो अब हमारी ये तीनों लस्सी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लस्सी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो कीप हेल्पिंग अस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।